नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज 9 नवंबर और 9 नवंबर के जो भी करंट अफेयर्स से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हम उन प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी जस्टिस सपोर्ट 2019 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो रहा है महाराष्ट्र। इसका मतलब ये है कि इंडिया जस्टिस स्पोर्ट सॉरी रिपोर्ट 2019 का, कि कौन सा राज्य अपने राज अपने जो राज्य सरकार की इंडिया सॉरी जो इन जो जस्टिस रिपोर्ट है, वो कौन सा राज्य सबसे पहले अपने जो नागरिक हैं अपने राज्य के, उसको न्याय से अब मतलब जो क्राइम होते हैं उसके बारे में न्याय दिला सकता है। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पे हो वह महाराष्ट्र और सबसे लास्ट में है उत्तर प्रदेश। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस देश को 30 मिलियन डॉलर जो मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने को मंजूरी दी? तो दी है घाना को। घाना जो है घाना को जो एक्सिस बैंक ने 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने को मंजूरी दी है घाना बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई ने किस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो ये ऑक्सीजन सर्विसेज पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट में भारत के एमएमआर जो है उसमें कितने अंक की गिरावट आई है? तो इसमें 8 अंक की गिरावट आई, ऑप्शन डी, इसमें 8 अंक की गिरावट आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निकोला एडम्स का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो ये थी मुक्केबाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नर्चर द फ्यूचर नामक मेंटरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2023 का फुटबॉल हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा? तो भारत इसकी मेज़बानी करेगा। जो 2023 में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है वो भारत में होगा और भारत ही इसकी मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो कतारपुर जहाँ पर जो अपने जो पंजाबी भाई लोग हैं वो उनका जो मुख्य जो उनसे लगभग मतलब जैसे अब हिंदू धर्म भगवान को मानती है, वैसे उनका गुरुद्वारा से संबंधित वहाँ से उनका आस्था है और वहाँ पर ये लोग दर्शन किए जाते हैं। तो ये जो करतारपुर है चेक पोस्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो किया है नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल इंडिया का नया कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया गया? तो संजय गुप्ता को गूगल इंडिया का नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है, संजय गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोस्ट गार्ड की कार्यशाला RESAREX 2019 सेरेक्स 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हुआ है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने किस देश के आर्थिक दृष्टिकोण को स्थिरता से नकारात्मक में बदल दिया है? तो आर्थिक दृष्टि से जो नकारात्मक में बदल दिया है वो भारत है। भारत को न्यूडीज देश ने आर्थिक दृष्टिकोण से नकारात्मक में बदल दिया है भारत देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल एशियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल एशियन अवार्ड से कुमार मंगल बिड़ला को सम्मानित किया गया है। दोस्तों कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था लास्ट में जिसका आंसर है, हाल ही में क्वेश्चन था, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर हेल्थ एटीएम की शुरुआत हुई? तो लखनऊ में हुई थी। और दोस्तों आज की वीडियो का क्वेश्चन है कि हाल ही में AAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं, ये आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।